Now. इसराइल हमास युद्ध के बाद से ही मिडिल ईस्ट में लाल सागर से लेकर अरब सागर जंग का अखाड़ा बना हुआ है, जिसमें एक तरफ इसराइल और अमेरिका हैं, तो दूसरी तरफ लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्ला और यमन का हूती है, जो इसराइल और अमेरिका के लिए बड़ी मुसीबत बनते जा रहे हैं। चूंकि ये दोनों ही संगठन बार बार कह रहे हैं कि वो इसराइल पर तब तक हमले बंद नहीं करेंगे जब तक कि गाजा में इजरायली सेना फिलिस्तीनियों पर हमले बंद नहीं करती, और इसी कड़ी में अब हिजबुल्ला ने दक्षिणी लेबनान बॉर्डर पर इजरायली सैन्य अड्डों पर कई मिसाइल हमले किए हैं। हिजबुल्ला का कहना है कि इनमें से कुछ सैन्य अड्डे इजरायली सेना के असेंबलिंग एरिया थे, जहां पर IDF ने बैरक और बेस बनाए हुए थे। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने अल रहब सैन्य अड्डे पर बुरकन मिसाइलों से हमला किया है, जबकि खिरबत मेयर बेस पर उसने दो ईरानी फलक 1 मिसाइलें दागी हैं। इसके अलावा हिजबुल्ला ने बिरकत रिशा के पूर्व में भी इजरायली सेना के असेंबलिंग बेस पर सीधा मिसाइल हमला किया है। हिजबुल्ला ने इसराइल पर जो ईरान की फलक 1 मिसाइल दागी है, वो सतह से सतह पर मार करने वाली 240 mm की अनगाइडेड मिसाइल है, जिसे ईरान ने 1990 में बनाया था। इसकी रेंज 10 से 11 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल 50 किलोग्राम तक के विस्फोटक वॉरहेड्स ले जाने में सक्षम है। इस मिसाइल को ट्रक, बोट या फिर जीप जैसे छोटे वाहन से भी दागा जा सकता है। साल 2006 में हिजबुल्ला ने इसराइल के खिलाफ युद्ध में इसका इस्तेमाल किया था। और बड़ी बात यह है कि इन हमलों को लेकर हिजबुल्ला ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें दावा किया गया है कि रास नकोरा नौसैनिक अड्डे पर इजरायली सेना के जासूसी उपकरणों पर हमला किया गया है। इसके अलावा हिजबुल्ला का यह भी कहना है कि उसने जेरोट, फहीम, एफएम और निर्माण के पास मिसाइलें दागी हैं। आपको बता दें कि हिजबुल्ला ने एक बयान भी जारी किया है, जिसमें उसने कहा है कि लेबनान में इस्लामिक प्रतिरोधी समूह, क्रूर यहूदी आक्रामकता, अमेरिका, पश्चिमी और कई अरब देशों की मिली भगत के बीच गाजा के समर्थन में अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ है। आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिजबुल्ला ही इजरायली बॉर्डर पर मिसाइलें दाग रहा है, बल्कि इससे पहले इसराइल ने 2 जनवरी 2024 को लेबनान में घुसकर एक ड्रोन हमला किया था, जिसमें हमास का बड़ा कमांडर अल अरौरी मारा गया था। इसके अलावा इसराइल के ड्रोन हमले में हिजबुल्ला के सदस्य सादिक मोहम्मद, अली जमाल शोकर और हुसैन हसन हलावी मारे गए थे।